नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। छात्र संगठन डीएसओ द्वारा चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। यह अभियान मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा में की गई फीस वृद्धि के विरोध में किया जा रहा है। छात्र संगठन का कहना है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा फीस में 80% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ आ गया है। कल रात गुलाबगंज कैंट में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक युवक शराब पीने का आदी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा विवेचना शुरू कर दी है। सब्बल वगैरह है? सब्बल वगैरह ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो तो कह रहा हम नारायण सब्बल लाइए। देखो अपने साथ तुम थोड़ा तो आगे खड़ा हो, ठीक है? हमारे उधर से पूछ, ये बड़े बच्चे सारे एक की नहीं भाई, छोटे के वो ज्यादा चक्का है। हमारे ठोक देना दिन भी अंदर से कुंडी बंद कर दी थी, बच्चों को बाहर करके पंखे से सारी से फांसी लगा दी। सर कोई कारण सामने है उसका अभी जांच करेंगे। क्या बच्चा दारू पीता था, दारू पी के रात में 2 बजे घर पे आया। आने के बाद में किवाड़ बजाया, मैंने किवाड़ खोल दिया, अंदर बहू वाला कमरे में रहता तो बहू के किवाड़ खुलवा दिए। बहू में तप्पड़ वप्पड़ मारी, क्या हुआ मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहू अपने बच्चे, 2 बच्ची थी, दोनों बच्ची लेकर बाहर आके बैठ गए। कितने कितने बड़े हैं बच्चे? बच्चा एक है 1.5 साल का और एक है 4 साल का। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर वो अंदर चला गया, अंदर चला गया। मैंने उससे बोला भैया चुपचाप सो जाइए, हम भी सोंगे, रात है सोने उठे हमें, उधम मत करिए। उसने फिर टीवी चलाई, रात भर टीवी चली और वो अंदर किवाड़ लगा कर और सो गया। सवेरे मैंने 5 बजे उसको जगाया तो वो नहीं उठा। फिर मैंने खिड़की से देखा तो पंखे से फंदा पे वो मुझे झूलता भाव देखा, तो मैंने फिर 100 नंबर फोन लगाया, गाड़ी आ गई। उसके बाद में मोहल्ला वाले जुट गए। धरनावदा में रात को कुएं में गिरी गाय, जिसका पता चलते ही गांव के ही युवाओं एवं बुजुर्गों ने उसे निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद और ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। गाय को काफी चोटें भी आई हैं और बुरी स्थिति में उसे बाहर निकाला गया, जिसका उपचार गाँव में ही किया गया। गाय को बाहर निकालने में प्रमोद बैरागी, संतोष साहू, अमर बुनकर और भी युवाओं ने मिलकर सहयोग किया। बस आधा बांधो पहले।
धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ के बेरखेड़ी गांव में कुटीर की जमीन को लेकर यादव समाज और अहिरवार समाज में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें अहिरवार समाज के 2 से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। घायलों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसके सिर पर कई बार कुल्हाड़ी से वार किया गया है, जिसको मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र से इलाज के बाद गुना रेफर कर दिया गया है। उधर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, पर इस मामले में एक बार फिर 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। घटना के 3 घंटे बाद भी घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई। घायलों के परिजनों ने घायलों को ट्रैक्टर की मदद से जैसे तैसे मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए और भर्ती कराया। मकसूदनगढ़ में कई महीनों से 108 एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ी हुई है। एम्बुलेंस गाड़ी खराब होने के कारण मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और आज भी मकसूदनगढ़ में 108 एम्बुलेंस गाड़ी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये कुटी के कुटी की नापतोली कर रहे थे, और नापतोली करवाए बाद में नहीं, वो मौजूदगी में नहीं है, तो हम सबरे साथ में गए थे, तो उसने आन के नहीं मतलब पीछे पीछे से मारा। कौन ने मारा? नारायण सिंह ने। अकेले नारायण सिंह थे और कोई थे? नारायण सिंह, मुकेश, कृष्णपाल। कौन है ये? ये यादव समाज के। कौन सी जगह के हैं रहने वाले? बरकड़ी राम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसको इसको लेके नहीं आ गए, वो भाग गए। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं आप लोगों में? दो, इसको तो ज्यादा घायल कर दिया। हाँ। इसके बाद मैंने पहले मम्मी के दहीलाई करी और इसको छोड़ के नहीं, जो मेरा भैया आया तो उसमें दहीलाई कर दी। मम्मी का क्या नाम है? कंचन भाई। और एक और भाई का आपके? रामदयाल। इनके भी चोटें आई हैं? हिम्मत के आई चोट। अच्छा। उस हिम्मत और कारीगर क्या उसकी नापतोली कर रहे थे मकान की। हाँ। के लिए 108 की मदद मिली क्या? नहीं, 108 घायल के लिए, एलपी लिए 108 को फोन लगाया सर। हाँ। वो कह रहा है काम आ रहा है, आ रहा है, तो हमने एक डेढ़ घंटा बाद 108 नहीं आई। हाँ। इंतजार करके नहीं, फिर हमने मतलब मजबूरन गांव में साधन देखा, साधन भी नहीं मिल पाया। फिर कैसे लेकर आए? फिर वो ट्रैक्टर में कटिया पर कटिया डाल के नहीं। हाँ। बिस्तर डाल के नहीं, खटिया पे पटक के लेके आए अस्पताल। अस्पताल में 108 वाली कितना टाइम तक नहीं आई? 108 3 घंटे, 2.5 घंटे नहीं आई, 3 घंटे नहीं आई। हाँ, 2 नंबर भी नहीं आई। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। सौम्य पालीवाल अपहरण केस का हुआ खुलासा।
सौम्य पालीवाल अपहरण केस का खुलासा आज से लगभग 2-3 दिन पूर्व ही हो चुका था, जिसमें 2 आरोपियों से 6 लाख की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1 आरोपी फरार था, जिसको आज चाचौड़ा पुलिस ने शेष 1 लाख की रकम के साथ मानक चौक से गिरफ्तार किया है और उसको रिमांड पर भी लिया है। सौम्य पालीवाल अपहरण जो है पूर्व में 2 आरोपी चुकी तो उसको हमको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, उसमें 1 आरोपी वो उसके खा गया था, तो कॉल डेटर के आधार पर 2 आरोपियों से पूछताछ की गई थी, उसके हिसाब से शिखर राजपूत निवासी मानक चौक का नाम आया था, उसकी तलाश जारी थी। इसी बीच दौरान जो मुख्य सूचना मिली के शिखर राजपूत है वो कहीं बाद में फरार हुए, उसकी सूचना पर मुख्यमंत्री सूचना पर जो है यहाँ से पुलिस टीम गई थी, उसमें के प्रवीण चौहान, कमल सोनारे और ऋतु शर्मा जो महिला सब इंस्पेक्टर हैं वो, और उसके अलावा अतिरिक्त जो है सब इंस्पेक्टर उपाध्याय और अन्य स्टाफ जो है गया था, और जैसे ही पता लगा कि ये मुख्य बंगले से निकल के फरार हुए, पुलिस पहले से लगी हुई थी, और जैसे ही ये आया जो है तुरंत उसको जो है दबोचा, हालांकि उसने भागने का प्रयास किया था। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। अजय सिंह के विरोध में उतरी बीजेपी महिला मोर्चा। बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा निकाला गया एक विरोध जुलूस, ये विरोध जुलूस पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह के खिलाफ था। आपको बता दें कि अजय सिंह ने अपनी मां को घर से निकाल दिया है, इसी के विरोध में आज भाजपा महिला मोर्चा ने एक जुलूस निकाला, जिसमें कहा गया कि जो बेटा अपनी मां की सेवा नहीं कर सकता वह भारत देश की सेवा करने की बात करता है, तथा उसको बचाने के लिए उनकी पार्टी के बड़े नेता खड़े हो जाते हैं, जिनको यह नहीं दिखता कि पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया है, फिर भी वह उसका बचाव करते हैं। डीजीएनएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।